जॉइंट फैमिली एपिसोड 6 जन्मदिन। चौधरी परिवार में आज खुशियों का पर्व है क्योंकि आज रुक्मिणी जी के छोटे बेटे देव का जन्मदिन है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि जब देव का प्रमोशन होकर उसकी तरक्की होती है तब मालिनी जलन के मारे पागल हो जाती है और वो खूब पैंतरे आजमाती है लेकिन हमेशा असफल रहती है। सुबह का अलार्म बजता है और देव उठ जाता है। फाइनली अब आ गया है वो दिन। अलार्म क्लॉक कहाँ है तू मेरी जान? हाँ, सुबह के 9 बज चुके हैं। अंजलि भी उठ गई है। आई नो सबने मेरे लिए कुछ ना कुछ डांसो सरप्राइज तो जरूरी प्लान किया होगा। चलो जाता हूँ। माँ ने यकीनन गुलगुले और गुलाब जामुन भी बनाए होंगे और खास करके यम्मी मटर की कचौड़ियाँ। इट्स माय बर्थडे। उत्सुक देव घर के हॉल एरिया में आता है पर उसे देखने के बाद भी सब कुछ नहीं बोलते, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अरे ये क्या, ये सब तो मुझे 2 कौड़ी का भाव भी नहीं दे रहे। इन्हें याद तो है ना कि आज मेरा जन्मदिन है। दादी को क्या हो गया? देव भानुमती के पास जाता है। सुप्रभात लल्ला, ये ले भोग प्रसाद, सदा सुखी रहे। बस इतना ही? आप कहीं कुछ भूल तो नहीं रही है ना? याद कीजिए। अरे ना, कुछ भी नहीं भूल रहे हम। शरीर और उम्र से बूढ़े हैं, दिमाग से नहीं। अभी भी हमारी याददाश्त एकदम फर्स्ट क्लास है। वो दादू आप तो कुछ कहिए। छोड़िए, आप बस इस न्यूज़पेपर में ही घुस जाइए। देव रसोई में जाता है और वहाँ पर, माँ आपने आज ये क्या रूखे सूखे पालक के पराठे बनाए? और अंजलि तुम भी यहीं पे ऐसी हो। मालिनी भाभी आप भी, आप सबको याद नहीं कि आज कौन सी तारीख है? आज है 7 दिसंबर, याद तो है। और आज मंगलवार भी है, यानी कि ये पापा जी के व्रत का दिन। चलो विक्रम जी के व्रत की खिचड़ी तो बन गई। देव निराश होकर आंगन में जाता है जहाँ निमृत, कृष और इंद्रेश मामा जी पौधों को पानी डाल रहे होते हैं। किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं। अरे ये क्या, निमृत, कृष और इंद्रेश मामा जी, ये तीनों यहाँ एक साथ? गुड मॉर्निंग देव पुत्र, व्हाट हैपेंड? तेरा फेस आज सड़े हुए प्याज की तरह भाई लग रहा है। टल, स्लीप नहीं हुई क्या ठीक से? नहीं मामा जी, सब ठीक है। अब वैसे निमृत, कृष, तुम दोनों को तो पता ही होगा कि आज कौन सा दिन है। हाँ, आज ट्यूसडे है। रोज की तरह वो खड्डूस मैथ्स की टीचर आएगी और बहुत सारा होमवर्क मेरे मत्थे मार कर चली जाएगी। मेरी तो लाइफ ही लाइफलेस हो गई है। सेम हियर, मेरे भी कॉलेज के सेमेस्टर्स नज़दीक है, सो आई एम वेरी मच बिजी विथ माई असाइनमेंट्स दीप भाई। पर आज मेरी फ्रेंड शिफाली का जन्मदिन है। मैंने उसकी फोटो पोस्ट किए ना फ्रेंड्स बुक पर, लाइक कमेंट और शेयर करना भूलना मत दीप भाई। कैसी बहन है, जरा भी याद नहीं कि आज क्या है। रक्षाबंधन के दिन ही प्यार उमड़ता है बस, इसका जेब जो खाली करानी होती है ना मेरी। देव बेचारा उदास होकर अपने कमरे में अंधेरा करके बैठ जाता है कि तभी अचानक से सारी लाइट्स जगमगाती हुई ऑन हो जाती है और पूरा परिवार बर्थडे कैप्स पहनकर और गुब्बारे, तोहफे और केक लेकर देव के कमरे में गाते हुए आते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है हमारी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू देव भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू देव, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू देव, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू देव भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको इस तरह सरप्राइज देते देख देव की आंखें भर आती है और सभी उससे गले मिलते हैं और उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। मुझे तो लगा कि आप सब मेरा जन्मदिन ही भूल गए हैं। और ऐसे कैसे फॉरगेट जाते तुम्हारा जन्मदिन? नॉट जन्मदिन, इट्स जन्मदिन। यस यस, वही ओनली। थैंक यू चटालाल। ये लो देव बेटा, ये सोने की चेन और ये कपड़े तुम्हारे लिए। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। रुक, तेरी नजर भी उतारती हूँ बेटा।
रुक्मिणी देव की नजर उतारती है और विक्रम और रुक्मिणी दोनों मिलकर देव को तोहफा देते हैं। ये सब देखकर मालिनी को खूब जलन होने लगती है और वो धीरे से रौनक को कहती है, देखो देखो कितनी बड़ी गिरगिट है माँ जी, पिछली बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे नजर फेर ली और अब देव की नजर उतारी जा रही है, वाह भाई वाह। ऐसी बात नहीं है मालिनी, माँ पिछले साल मेरे जन्मदिन के वक्त बीमार थी। हाँ हाँ, पूरी दुनिया की बीमारी आकर माँ जी को ही जकड़ लेती है ना, हर साल तुम्हारे जन्मदिन के ही दिन, हर साल तुम्हारे जन्मदिन के दिन चार पाई पकड़ लेती है। और तो और ये देखो, ये कितनी मोटी और महंगी डिजाइन वाली गोल्ड चेन खरीदे हैं इस देव के लिए, तुम्हें तो इतने सालों से देख रही हूँ एक शगुन का सिक्का तक नहीं दिया कभी। मालिनी खड़े खड़े रौनक को उसके माँ बाप और छोटे भाई देव के खिलाफ इतना भड़काती है कि वो मजबूर होकर बोल पड़ता है, वाह बहुत खूब हाँ माँ पापा, आज तक मुझे तो किसी जन्मदिन पे कुछ भी नहीं दिया, इतना महंगा तोहफा कभी नहीं दिया, बस मिठाई और आशीर्वाद यही तो मिलते आए हैं तोहफे के तौर पर, और आज इस देव को इतनी महंगी सोने की चेन और ये शोरूम के कपड़े, वो भी डिजाइनर, क्यों इससे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि ये मुझसे ज्यादा कमाता है इसलिए, मैं बड़ा भाई होकर भी अपने छोटे भाई से दो कदम पीछे ही हूँ इसलिए, मेरी साड़ी की छोटी मोटी दुकान है और ये एक बड़ी कंपनी का प्रमोटेड एम्प्लॉई है इसलिए, वाओ मम्मी पापा वाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रौनक भाई, आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हो और आप कब से इतनी कड़वी बातें करने लगे, हमेशा जीप पर चाशनी रख के चलने वाले के मुंह से आज ये सब। हाँ रौनक बेटा, मेरे लिए तुम दोनों भी बेटे एक जैसे हो, मेरी आंखों के दो तारे, तो तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो, और हम कब से अपने बच्चों में भेदभाव करने लगे, निमृत तू और देव तीनों हमारे जिगर के टुकड़े हो। रौनक गुस्से से घर के बाहर चला जाता है, देव और पूरा परिवार उदास हो जाता है, वहीं मालिनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। आखिर दोनों भाइयों में फूट डाल ही दी मैंने, बड़ा उछलता है ना ये देव और अंजलि अपने अमीरी पे, अब मनाते रहे जन्मदिन के दिन की खुशियां, खुशी की जगह गम, यही तो मैं देखना चाहती थी इन सबके चेहरे पे। अभी तो बस देवर जी देव का नंबर लगा है, जल्दी इस कलमुही देवरानी अंजलि मैडम की भी बारी आ जाएगी, बॉम्ब तो मैं फोड़ कर रहूंगी, आखिर मैं हूं ही फुल ऑन विस्फोटक। शाम होने पर सभी घर वालों को एक फोन कॉल से खबर मिलती है कि रौनक का एक पहाड़ी इलाके वाली जगह पर एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट, और वो भी रौनक भाई का? हाँ देव बेटा, मेरा रौनक। पापा। हाय राम, मैंने जो रायता फैलाया वो रायता एक जानलेवा जहर बनेगा ये तो सोचा भी नहीं था, अब मैं क्या करूंगी, हे भगवान, भला है बुरा है लेकिन जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, उसकी रक्षा करना। देव तुरंत गाड़ी निकालो। सभी अत्यंत चिंताग्रस्त होकर उस पहाड़ी इलाके वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां घने अंधेरे में वो सब जन्मदिन की पार्टी का सेटअप देखते हैं। रंग बिरंगी झालर वाली लाइटिंग, सजाए हुए टेबल्स, बनावटी झरने, मानो किसी ने कोई डेट नाइट रखी हो। तभी वहां अचानक से रौनक आ जाता है खुशी से मुस्कुराता हुआ। रौनक भाई आप। क्यों तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा रौनक भाई इतना बुरा है? अरे वो सब एक नाटक था, क्योंकि मुझे आप सबके ऐसे सरप्राइजिंग वाले शॉक्ड लुक्स जो देखने थे, और मैं एक बड़ा भाई होने के नाते तेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ कैंडल लाइट बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहता था इस पहाड़ी जगह पर। ये वही जगह है ना भैया जहां हम बचपन में साइकिल चलाते चलाते आते थे और घंटों तक यहाँ बैठ कर कंचे खेलते थे, और आप ना हमेशा चीटिंग करके जीतते थे। ओ तेरी, ये क्या क्लाइमेक्स है इस जन्मदिन का, दूध में नींबू निचोड़ा था उसे फट जाने देने के लिए, लेकिन यहाँ तो दूध फटने की जगह उबल भी गया और दूध की मिठाई भी बन गई, मेरी चाल फिर से उल्टी पड़ गई। नहीं खुदड़ी है तो बिल्कुल मालिनी गधेड़ी, अपने आप को विस्फोटक खाक समझती है। रौनक मालिनी के पास आता है और उसे कहता है, अब भी समय है सुधर जाओ मालिनी, वरना बहुत देर हो जाएगी और तुम खुद को और इस परिवार को तो खो ही दोगी, साथ ही साथ मुझे भी खो दोगी, सबसे प्यार करना सीखो, सब मेरे अपने हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है। इतना कहकर रौनक जाता है और फिर देव केक काटता है और पूरी चौधरी फैमिली धूमधाम से देव का जन्मदिन मनाती है और आसमान में पटाखे भी फोड़े जाते हैं। पर
यहाँ मालिनी गुस्से की आग में जल रही होती है और वो अब तय कर लेती है। अब देखना, अब कोई एक सदस्य निशाने पे नहीं है, अब तो मैं सीधा इस पूरी जॉइंट फैमिली को ही अलग कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या होगा अब इस कहानी में आगे? क्या मालिनी कर पाएगी इस जॉइंट फैमिली को अलग? क्या मालिनी अपने घिनौने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? गुजरेगी ये कहानी कई सारे मोड़ से। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।